दोस्तों नमस्कार, मैं अजय कुमार वर्मा, एशियन डीबीसी। तो आज का वीडियो दोस्तों बहुत ही खास है और इस वीडियो में ना मैं कुछ बीमारियों के बारे में बात करने वाला हूं, जिन जो बीमारियां ऐसी हैं जो फार्मों में आने के बाद में पूरे फार्म की ऐसी तैसी हो जाता है और वहां पर हमारे जो फार्मर भाई हैं उन लोगों को समझ में नहीं आता है कि ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तो उसके ऊपर बात करूंगा। दोस्तों वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छा वीडियो है दोस्तों, काफी हेल्पफुल रहेगा आप लोगों के लिए। तो वीडियो को पूरा देखें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिए। जितना ज्यादा शेयर करोगे, जितना ज्यादा आप लोग इसको फैमिली में बढ़ाओगे दोस्तों, यूट्यूब फैमिली, उतना ही बेहतर होता है। और मैं आप लोगों के लिए हर दिन कुछ ना कुछ नया लाने की जरूर कोशिश करता हूं। तो दोस्तों सबसे पहले अगर आपके यहां बच्चा यानी चूजा आता है, चिक्स आता है, तो जब चिक्स आता है ना उस टाइम पे अगर किसी फार्मर ने एक गलती की, उसने अपने यहां का टेम्परेचर नहीं मेंटेन कर रखा। अभी इस साइड में आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये फार्मर जो है ये बिहार के हैं और इनके यहां पे इनको मालूम नहीं था कि इनको देखना चाहिए था। वो फिलहाल जब ये मुझसे बात की, इसके बाद मैंने इनको बताया, तो उस तरह से इन्होंने अरेंजमेंट किया है। और फिलहाल के लिए इनके यहाँ मोर्टेलिटी के रूप में सिर्फ 4 मुर्गों की मोर्टेलिटी हुई है, ये नए थे। तो जब आप टेम्परेचर कम लोगे या गोले नहीं बनाओगे तो क्या होता है वो चीज समझो। पहले आपका बच्चा क्या करेगा, आप उसको कितना भी दौड़ाओ दौड़ेगा नहीं, अपने मन से नहीं दौड़ेगा। जैसे अभी कोई काम ऐसा होता है दोस्तों जिसको आप पूरे मन तन मन धन से करना चाहो तो वो काम कितना बेहतर होता है, और वो काम जिसमें आपको पीछे से धक्का मार मार के कहा जाए कि नहीं भाई आपको ये काम करना ही करना है, तो वो काम कैसा होता है आप खुद ही सोच सकते हो। तो यही चीजें हैं दोस्तों, वही सेम अपने चिक्स पे देखो। चिक्स जब आता है तो आपको सबसे पहला काम है दोस्तों टेम्परेचर को मेंटेन रखना। टेम्परेचर इतना होना चाहिए 90 डिग्री फारेनहाइट से प्लस होना चाहिए। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं दोस्तों क्योंकि जब इतना टेम्परेचर दोगे आप तो आपका चूजा एकदम भौरे की तरह हमेशा यहां खाएगा, थोड़ा सा फिर भाग के जाएगा, फिर उसको वो खाएगा, फिर भूख लगेगी, फिर वो पानी पिएगा। तो ये एक्टिविटी ना मान के चलिए कि पहले सप्ताह में अगर इस तरह से आपने मैनेजमेंट रखा तो पहले सप्ताह में ही आपका चूजा जो है 200 ग्राम प्लस निकल जाएगा। और जिस चूजे ने 200 ग्राम वेट गेन कर लिया फर्स्ट वीक में, उसको कोई बीमारी जल्दी नहीं पकड़ पाती है। तो इसके बाद अगर ये नहीं करते हो तो क्या होता है, छोटा बच्चा बैठा है तो बैठा रह गया, वो ना तो पानी पिएगा ना तो फीड खाएगा। अब क्या होगा कि उसी बर्ड में बाद में आप देखोगे कि ईकोली आ गई है। तो इसके लिए दोस्तों शुरुआत में आपको क्या करना है कि आप ले लीजिए, नहीं आप उतना अच्छा मैनेजमेंट कर पाते हो तो आपके पास इजी ब्रूट करके एक मेडिसिन है दोस्तों जो कि मार्केट में उपलब्ध है, उसको आप चला दीजिए। वहां पे ना गुड़ पानी चलाने की जरूरत नहीं होती है, गुड़ पानी बिल्कुल नहीं चलाना है। इजी ब्रूट जैसे ही दोगे ना बर्ड के अंदर एक इम्यूनिटी पैदा हो जाएगी, बर्ड एकदम खूंखार तरीके से, जैसे टेम्परेचर तो तब भी देना है, टेम्परेचर में कोई पता ही नहीं, उसको पिलाने से बर्ड की इम्यूनिटी इतना ग्रो हो जाती है, बर्ड को इतना हिट पा जाता है कि बर्ड आपका चूजा जो होता है वो ना सर्वाइवल दर बढ़ जाता है और बहुत ही अच्छे से वो सर्वाइव करता है। इसके बाद दूसरे नंबर पे दोस्तों आपको अभी मैं किसी पर्सनल दवा का नाम नहीं लेता हूं, इसमें सिर्फ बीमारियों के बारे में बता देता हूं, नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगा उसमें दवाओं को भी बता दूंगा। इसके बाद आपको क्या करना है, एक डोज आपको कोई भी एंटीबायोटिक 2 डोज दे देनी है, और एंटीबायोटिक के बाद में आपको ये दे जो किडनी फ्रेशर होता है, किडनी फ्रेशर दे देना है। अगर आप एक दवा है अब बताना ही पड़ेगा अल्कायो लगा देते हो तो वहां पे आप देखते हो दोस्तों कि जर्दी संबंधी जो भी बीमारियां होती हैं, बीमारियां क्या सीधा मोर्टेलिटी होता है उसमें, तो जर्दी संबंधी जो दिक्कत है दोस्तों उसको दूर करने के लिए आपको अल्कायो नहीं मिल पा रहा है किसी के पास, तो उसका अल्टरनेट है
सेप्ट्रान सिरप दे सकते हो। सेप्ट्रान सिरप से होता क्या है कि जर्दी जो है बहुत ही जल्दी रिलीज हो जाती है बर्ड के बॉडी से, और वो फिर क्या होता है कि बर्ड जो है अच्छे से सरवाइव कर लेता है, मोर्टेलिटी कम होती है। तीसरा दिन क्रॉस करते ही आपको क्या करना होता है कि आप ना उसको, अगर आपके पास पायरोकॉल भी है, नेक्जामिन है तो उसको चला सकते हो, नहीं है अगर आपके पास नहीं उपलब्धता हो पा रही है तो आप ना इसके लिए ए टू जेड सिरप जो आता है दोस्तों ठंडी में इतना अच्छा परफॉर्मेंस देता है उसको लगा सकते हो। इसके बाद अब आपका फर्स्ट वीक कंप्लीट हुआ, अगले वीक में चलना है। अगले वीक में जाते ही दोस्तों आप देखते हो कि मौसम में जरा सा भी फ्लक्चुएशन आया तो आपके मुर्गे में तुरंत क्या होगा कि इकोली, तो शुरुआत में अगर दिक्कत हुई तो बनेगी बनेगी, उसके बाद मौसम में अगर दिक्कत होती है तो सीआरडी आ जाती है। अब सीआरडी का भैया एक चीज बता दूं, सीआरडी आने का दो तीन कारण। पहला, यदि आप पानी को टाइम से नहीं लगा रहे हो अपने फार्म में, जैसे मान लीजिए कि एक दिन आपने पानी दे दिया है सुबह में, दूसरे दिन पानी को दे रहे हो 12 बजे, तीसरे दिन पानी को 4 बजे दिन में ही लगा दिए, शाम का जो 8 बजे लगाते थे वो 4 बजे दिन में लगा दिए, तो ये उतार चढ़ाव आपको पानी के साथ नहीं करनी है। एक टाइम बना के रखना है, उसी टाइम के अंतर्गत पानी आपको बर्ड को दे देना है। दूसरे नंबर पर पर्दे का विशेष रूप से ध्यान रखना है। जब शुरुआत में बच्चा आता है तो आपको डबल पर्दा रखना है, और जैसे मान लीजिए किसी कारण से यदि आपके यहां पे बर्ड जो है मुंह खोल के थोड़ा थोड़ा सांसें ले रहा है तो ऐसे में हो सकता है कि आपके फार्म में अमोनिया की मात्रा बढ़ गई हो, उससे भी हो सकता है, अमोनिया की वजह से भी हो सकता है। तो आप ना पहले अमोनिया अगर बनती है तो आप लोग एक चीज का ध्यान रखिए कि जब आप जैसे ही फार्म के अंदर एंट्री लोगे तो आपकी आंखें चुनचुनाना शुरू हो जाएंगी, मतलब आपको लगेगा, फीलिंग आएगी, नाक में जाएगा, तो आपको मालूम चलना चाहिए कि भाई हमारे फार्म में अभी तक तो ये नहीं हो रहा था, आज भी ऐसा क्यों हो रहा है या अभी ऐसा क्यों हो रहा है। तो आपको तुरंत पर्दे को थोड़ा सा खोलना है, और एक नहीं कुछ होता है तो आपके घर में जो फैन होता है टेबल फैन, उसको ला के लगा के और गैस निकाल देनी है, या पर्दा थोड़ा सा डाउन कर देना है इसके बाद में फिर आप पैक कर सकते हो। और दूसरे एक चीज और बता दूं दोस्तों कि यदि आपकी आपका जो लीटर है यानी जो भूसी है वो सूखी रही, वो अच्छी है, पानी नहीं गिर रहा है उस पर, या वो सूखी है या, तो उसमें ना आएगा ही नहीं, अमोनिया बनेगी ही नहीं। अमोनिया बनने का तो एक ही कारण है कि आप कभी कभी ना, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सिर्फ हाइलोजन्स जलाते हैं। हाइलोजन्स जलाओगे दोस्तों तो पक्का है सीलिंग से पानी नीचे गिरेगा। अगर आप इसी के जगह पे अगर आप अंगीठी लगाते हो बुरादे वाली तो ये नहीं बनता है। गैस ब्रूडर में भी मैंने देखा है, गैस ब्रूडर जलता है तो उसमें भी बनता है, और सबसे ज्यादा तो हाइलोजन से बनता है। हाइलोजन जो होता है दोस्तों, हाइलोजन से ना बहुत ज्यादा पानी बनता है, तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम होती है। तो ये आपका इस तरह से मल्टीविटामिन आपको देते रहना है, और अगर हो पाए तो पायरोकोल भी मिल जाए ना, तो ये एक ऐसा कंपोजिशन बनाया गया है कि इसके अंदर मल्टीविटामिन पूरे हैं, साथ ही साथ में दोस्तों कैल्शियम की भी मात्रा पूरी होती है, फास्फोरस की मात्रा पूरी होती है, और जो बर्ड आप देखते हो कि लंगड़ा हो रहा है, लूला हो रहा है, पैर ऐसे कर देता है, फिर इसके बाद में एक पैर आगे एक पैर पीछे को कर देता है, वो भी नहीं होता, तो ये दवा अच्छी है दोस्तों, काफी अच्छी कारगर दवा है, तो इसका इस्तेमाल कर सकते हो। यदि आपको ग्रोथ चाहिए और आप लास्ट टाइम पे बेहतर परफॉर्मेंस देना चाहते हो, मुर्गे को बेहतर ग्रोथ पे लाना चाहते हो दोस्तों, तो अब आपको यही सबको सुनना होता है, इसीलिए इस टॉपिक को मैंने रखा है इसमें। देखो दोस्तों, हर एक बंदे का एक ही मकसद होता है कि वो फार्मिंग से बहुत अच्छा पैसा कमाए। तो जब आपका मुर्गा 25 दिन का हो जाता है, वहां से दो चीजों का ध्यान रखना होता है। पहली चीज, आपके मुर्गे में
पीठ ना खराब होने पाए। पीठ खराब होगी दोस्तों तो जाहिर सी बात है कि आपका बच्चा जो पड़ा हुआ है फार्म के अंदर वो आपको बोल नहीं पाएगा, लेकिन वो एक्टिविटी जरूर दिखाएगा। तो उसकी पीठ खराब हो गई तो समझ लीजिए कि आपका फीड जो है मिट्टी में प्लेग हो रहा है, मिट्टी में जा रहा है, ठीक ना। तो सबसे पहला काम ये करना है कि इसको रोकना है और डाइजेशन का विशेष रूप से हमेशा केयर करना है। दूसरे नंबर पे दोस्तों आपको मल्टीविटामिन भी देना है, ग्रोथ अच्छा चाहिए तो, साथ ही साथ में ग्रोथ के लिए कई सारे तरह तरह के लोगों के पास उपलब्ध होते हैं, लेकिन कुछ विशेष है उसमें से, उसको आप प्रयोग करें। उसका प्रयोग करेंगे दोस्तों जैसे अभी ग्रोटेक है दोस्तों, ग्रोटेक के बारे में मैं इतना कॉन्फिडेंटली क्यों बोल देता हूं, क्योंकि दोस्तों इसका प्रयोग कराने के बाद में मैंने देखा है कि जिन भी भाइयों ने अगर ये दूसरे दिन भी प्रयोग किया है, मतलब एक दिन छोड़ के दूसरे दिन, तीसरे दिन, दो दिन के अंतर पे, तो उनके यहां भी ग्रोथ बहुत ही अच्छा आता है। और इस मेडिसिन की खास बात यह है कि इससे लूज ड्रॉपिंग की प्रॉब्लम नहीं होती है। जैसे आप कुछ ऐसी मेडिसिन जैसे ग्रोथ की लगाते हो तो देखते हो कि तुरंत बीट पतली शुरू, तो वो समस्या बिल्कुल नहीं आती है। ये हो गया। इसके बाद में दोस्तों आपको मल्टीविटामिन देना है और भूसी जो है लास्ट टाइम तक एकदम ऐसे रखना है कि पैर अगर अपना लगता है उसमें तो भर से भूसी उड़नी चाहिए। ये अगर है तो आपका मुर्गे का ग्रोथ तो आएगा ही आएगा। हाँ, एक चीज और है कि उसमें ध्यान रखिए, अगर एक भी मोर्टेलिटी होती है, यही मैं अपने मेंबरों को बताता हूं कि अगर आपके यहां एक भी मोर्टेलिटी होती है तो आप लोगों को क्या करना है कि एक विशेष चीज करना है कि उसको पहले पोस्टमार्टम करिए। पोस्टमार्टम एक ऐसा जरिया है दोस्तों बर्ड के बारे में जानने का कि उसके द्वारा ही आपको सारी चीजें पता लग जाती हैं कि बर्ड में क्या दिक्कत है, क्यों मर रहा है, क्यों कंप्लीट कर रहा है। अगर उसके जिसको आप पथरी बोलते हो गांव की भाषा में, वो पथरी में प्रॉब्लम देखो, आंतों में प्रॉब्लम दिखे, तो समझ जाइए कि उसका बीट खराब होना है। यदि लीवर पे या किडनी में किसी भी तरह की स्वेलिंग है, लीवर बढ़ रहा है, आप जैसे पोस्टमार्टम के लिए कट मारते हो लीवर पहले ही बाहर खड़ा मिलता है, तो वो इस तरह का अगर समस्या होता है तो समझ जाइए दोस्तों कि आपका मुर्गा ग्रोथ कम लेगा। लेकिन अगर आप कंटिन्यूअसली पीछे से बैकअप लेके चलोगे तो आपके मुर्गे में लास्ट टाइम पे तो ये दिक्कत ही नहीं आती, क्योंकि तब वो मुर्गा खा पी के एकदम तगड़ा हो चुका होता है ना, तो उसमें दिक्कत ही नहीं होनी है। तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा दोस्तों, इसलिए वीडियो को यही समाप्त करता हूं और कल के वीडियो का इंतजार करिएगा। कल के वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही विशेष टॉपिक रखने वाला हूं। ये वीडियो एक्चुअली मैं आज ही सोच रहा था शूट करने के लिए दोस्तों, लेकिन हमारा यहाँ का सेटअप जो है थोड़ा सा बाहर है क्योंकि ये कलर चल रहा है इसमें, तो कल का वीडियो इसलिए बनाता हूं ताकि जो आपका FCR जैसे कुछ लोग कहते हैं 10 बैग का भग रहा है, 5 बैग का भग रहा है, तो उसको कैसे कवर करना है अपने को, कैसे उस 10 बैग को कंट्रोल करके और अपनी बुक को एक स्टैंडर्ड में लाना है ताकि हम लोग ए ग्रेड से बी ग्रेड तक ना जा पाए। सी और डी तो बहुत दूर की बात है, और पैसा इतना मिल जाए अपने को कि जहां पर हम एक शान से कह सकें ऑफिस में जा करके कि मुझे इतना पेमेंट आया, ठीक ना। तो ये वीडियो अगले दिन का होगा, आप लोग अगले वीडियो का ध्यान रखिएगा और आप लोग कमेंट करिएगा दोस्तों कि मैं ये वीडियो बनाऊं या ना बनाऊं। धन्यवाद।